क्षेत्र में फिर से पत्थर कारोबारियों ने धड़ल्ले से अवैध पत्थर को पहाड़ों से निकालकर ट्रकों से दिन रात पुलिस की मिलीभगत से बयाना रिको औद्योगिक में पहुंचाकर मोटी रकम कमा रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से अवैध पत्थर निकासी पर रोक होने के बावजूद पत्थर कारोबारी धड़ल्ले से पत्थर निकालकर रिको में बेच रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों से पत्थर निकालकर ट्रकों में भरकर त्रिपाल से ढक कर ट्रक को बंसी पहाड़पुर से रुदावल होते हुए मेगा हाईवे पर गांव सूपा होते बयाना लाया जा रहा है। बता दें कि रुदावल पुलिस थाना पड़ता है, मगर वहां भी ट्रकों को नहीं रोका जाता। उसके बाद मार्ग में खेरिया मोड़ पुलिस चौकी पड़ती है। उसके बाद बयाना कोतवाली पुलिस के जस्ट 50 मीटर की दूरी पर सामने होकर ट्रक निकाल दिए जाते हैं। बताया गया कि पुलिस के अलावा बयाना वन विभाग के सामने से होकर भी ये ट्रक अवैध पत्थर से भरे निकलते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। आपको बता दें कि बयाना थाना की CLG की मीटिंग में यह मुद्दा कई बार सदस्यों की ओर से उठाया जाता है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। ये बंदवारेटा है, पानसी पहाड़पुर है, इधर खदाने हैं, इनमें ब्लास्ट होता है और दारू से ब्लास्ट करते हैं जिससे कि प्रदूषण फैलता है और हमें सांस लेने में हम पब्लिक के लिए दिक्कत पैदा होती है। और ये पहले तो ट्रॉलियों में ट्रैक्टर में भर भर के ले जाते थे, आजकल बैन लग गया है तो ये ट्रकों में ले जाते हैं, आम और त्रिपालों को ढक ढक के ले जाते हैं, जिससे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। उनकी मिली भगत है, मोटी रकम मिलती है उनको, मंथली मिलती है और एक जीप डोलती है, वो इनसे एंट्री लेती लौटती है। रात के 9 बजे के बाद तो ट्रकों की जो ढक ढक के त्रिपालों से लाया जा रहा है वो जाते हैं और बयाने थाने के आगे होके जाते हैं और वो एंट्री लेके जाते हैं। ऐसा है, फिर भी सरकार इन थानों से इनसे कुछ भी नहीं कर रही है और इनकी खूब मिली भगत से पत्थर का व्यवसाय चल रहा है। इसी के